दोस्तों बात करने वाले आरवीएनएल स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, आरवीएनएल में बैक टू बैक वापस से तेजी हमें देखने को मिल रही है। अगर आज का इंट्राडे है भाई आप देखोगे तो 272 रुपए तक स्टॉक आज जा चुका था। देखो दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। दोस्तों कंपनी ने 174 करोड़ का एक बड़ा प्रोजेक्ट जीता है, जिसकी बोली कंपनी ने बोली लगाई थी उस पर कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिला है। दोस्तों कंपनी के लिए 174 करोड़ का प्रोजेक्ट कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। जिस हिसाब से कंपनी की ऑर्डर बुक अगर आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे भाई। देखो किसी भी कंपनी की आधारशिला एक तो यहाँ पे कंपनी का बैलेंस शीट होती है, दूसरी कंपनी की ऑर्डर बुक होती है। देखो भाई, ऑर्डर बुक का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो मैं हूँ, ठीक है ना, अब मैं एक स्टॉक हूँ, अब आप मेरे पे पैसा लगाओगे तो मेरा फ्यूचर देख के लगाओगे कि भाई मेरा फ्यूचर कैसा है, मैं क्या काम करूंगा फ्यूचर के अंदर, एंड उसके अकॉर्डिंग मैं प्रॉफिट जनरेट करूंगा, एंड उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कमाऊंगा तो डेफिनेटली आपको भी कमा के दूंगा। अब यहाँ पे कंपनी के पास काम की कमी नहीं है। देखो भाई, कंपनी ने हाल ही में बताया था कि कंपनी मिडिल ईस्ट के अंदर भी प्रोजेक्ट ढूंढने की तैयारी करे, और वहां पे भी अगर प्रोजेक्ट मिलते हैं तो कंपनी काम करने वाली है। सबसे बड़ी चीज, कंपनी ने अपनी ऑर्डर बुक का आंकड़ा बताया था जो कि 65,000 करोड़ को पार कर चुका है भाई। 65,000 करोड़, ठीक है ना, बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर ये रेवेन्यू जनरेट होता है तो डेफिनेटली आप देखेंगे। मैं ये चीज तो कह सकता हूँ कि दोस्तों कि अगर गवर्नमेंट रिपीट होती है ना भाई, ये डेफिनेटली चीज समझ लेना, तो ये स्टॉक आने वाले यहाँ पे 1-1.5 साल के अंदर 1,000 रुपए का आंकड़ा भी पार कर लेगा। क्योंकि भाई ये इसकी वैल्यू है, इसके पास काम की कमी नहीं है। कंपनी के पास पूरा रेल का विकास ही यही कर रहा है। नाम देख लो, आरबीएनएल, रेल विकास निगम, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आज का जो प्रोजेक्ट था 174 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो कि कंपनी ने जीता है, सबसे कम बोली लगा के। अब हम डाटा देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि दोस्तों अगले टारगेट्स क्या रहे, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों ने टॉप लेवल पे बाई करके रखे हैं, यहाँ पे कट ले वो पैनिक हो रहे हैं। तो अभी के टाइम डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने एक अच्छा स्टॉक पिक किया, अगर आप डेफिनेटली पेशेंस दिखाते हो एंड एवरेजिंग करते हो तो आप यहाँ पे प्रॉफिट लेके ही निकलोगे। क्योंकि भाई देखो, मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पेशेंस। डेफिनेटली मार्केट में वोलेटिलिटी तो आपको एक भी स्टॉक ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें नहीं दिखेगी। सभी स्टॉक में वोलेटिलिटी रहेगी, बट इंपॉर्टेंट है कि आप किस पेशेंस दिखाते हो या नहीं दिखाते हो। आज का डाटा बताया दोस्तों, 1% पॉजिटिव क्लोजिंग दिखी है। जैसे ही ऊपर जाता है सेलिंग देखने को मिल जाती है, लोग यहाँ पे पैनिक हो रहे हैं तो वो सेल करके निकल जाते हैं। उनको पता है हाल ही के अंदर बड़ा ब्लास्ट हुआ, तो ये थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हैं, इसको देखते हुए सेलिंग कर देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, आज की वॉल्यूम आप देखेंगे दोस्तों, 1.5 करोड़ के आसपास के शेयर यहाँ पे ट्रेड होते हुए देखने को मिले। एंड करंटली जो 345 रुपए का लेवल है, वो स्टॉक का बाउंड भी कहीं देखने को मिल रहा है। एंड एमओबी के टाइम सेल ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। एंड डिलीवरी स्टॉक के देखा जाए 24% के आसपास की डिलीवरी, 34 लाख से आज डिलीवर होते हुए देखने को मिले हैं। अच्छी खासी चीजें भी टाइम हो रही है, एंड गलती इस लेवल पे नहीं करना है। एंड मेन इंपोर्टेंट अपडेट थोड़ा देख ले, ठीक है। अपडेट आप देख सकते हैं दोस्तों, अपडेट आपके सामने, 1 साल में भाई 300% हो चुका, मल्टी बैगर स्टॉक बना है। मान के चलो कि 100 का 200, 200 का 400, ये कंपाउंडिंग ग्रोथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें तेजी नजर आई है। देखिए कंपनी का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 6.2% गिरकर ऑलराउंड 382 करोड़ रहा था। रिजल्ट के अंदर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाला रिजल्ट ने। उसके बाद हमें ये वोलेटिलिटी देखने को मिल रही थी, बट यहाँ पे देखो वोलेटिलिटी के बीच पॉजिटिव अपडेट्स यहाँ पे दिखे। देखो सिविल कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड, अपने शेयर धारकों के लिए मल्टी बैगर साबित हुई है। सिर्फ 1 साल में 4 गुना स्टॉक हो चुका है। अब कंपनी ने मध्य प्रदेश में एक प्रोजेक्ट के लिए बोली जीतने की जानकारी दी, ये जानकारी बाजार बंद होने के बाद देखने को मिली थी, जिसका प्रभाव आज हमें पड़ता हुआ देखने को मिला। इस खबर का असर शुक्रवार को कारोबार में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं तेजी भी हमें देखने को मिल चुकी है। क्या है कंपनी ने जानकारी दी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी की ऑर्डर बुक तगड़ी है, ऑर्डर 18 महीने में ये प्रोजेक्ट पूरा करेगी। 174 करोड़ की इसका पूरा यहाँ पे जो मतलब 174 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। 132 केवी और 220 केवी ट्रांस जो ट्रांसमिशन लाइन का ये निर्माण ये करने वाले हैं। तो ये ऑर्डर का पूरा डाटा है आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पे देखो मैं एक ही चीज कहूंगा कि आरवीएनएल को देखो, इलेक्शन से पहले आप खरीद लो। अगर गवर्नमेंट रिपीट हो रही तो ये आपको उसके बाद नहीं मिलेगा। ये स्टॉक कम से कम इलेक्शन से पहले ही तेजी दिखाने लग जाएंगे। इलेक्शन के बाद तो दोस्तों अगर चीजें सही रही तो ये डबल होने वाले ऑलराउंड। यहाँ पे ये स्टॉक आपको इजिली इस बार 500+ जाएगा, क्योंकि इस बार का जो बाउंस आएगा ना भाई, देखो कितना चल रहा है, 250 का चल रहा है। अब यहाँ से पहले हमने देखा कितना था, 170 के आसपास, कितना गया 340 के आसपास, 345 के आसपास, लगभग डबल हुआ। अब यहाँ पे 245 या 250, 45 के आसपास थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, 70-80 के आसपास। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिर से डबल होने वाला है। हर बार से डबल होता है, जब ये तेजी दिखाता है डबल से पहले नहीं रुकता है। चार्ट का आरएसआई ये बॉटम पे बिल्कुल ट्रेड कर रहा है। एंड ये आरएसआई भाई आप 160 एंड नीचे यहाँ पे आप मान के चलो कि 45, ठीक है ना, अगर गिरता है तो 45 पे सपोर्ट लेगा, अगर तेजी आती है तो यहाँ पे 60-65 से आरएसआई ऊपर नहीं जाएगा। टोटली स्टॉक कंसोलिडेट जोन में आ चुका है भाई। अभी यहाँ से देखो हमने देखा है बैक टू बैक कंसोलिडेट तेजी, कंसोलिडेट तेजी। इस बार फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करने वाला है, यहाँ से कंसोलिडेट करेगा आप ट्रेंड के अंदर यहाँ से, ठीक है ना, ऐसे कंसोलिडेट करेगा। तो जल्दबाजी ना करें। एंड मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर करेक्शन आता है तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी। जिन्होंने टॉप पे बेच के निकले वो
फिर से इन्वेस्टमेंट करने का मौका ढूंढे, एंड जो यहाँ पे खरीदे हैं वो अभी बेचे नहीं है, वो एवरेज करें यहाँ पे, ठीक है ना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन करो ताकि हर एक अपडेट टाइम टू टाइम आप